नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। एसडीओ पूर्वी कार्यालय में लोगों ने बाइक चुराते चोर को पकड़कर जमकर की पिटाई। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। और राष्ट्रीय राजपूत कार्मिक सेना ने फिल्म पद्मावती के रिलीज के विरोध में फिल्म के निदेशक का पुतला फूंका। और अब खबरें विस्तार से। समरनाले के एसडीओ पूर्वी के कार्यालय में आज लोगों ने बाइक चुराते एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस पहुंच चोर को गिरफ्तार किया। शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी से आम जनता सतर्क हो रही है। शनिवार को एसडीओ पूर्वी के कार्यालय परिसर से एक बाइक की चोरी करते हुए बाइक चोर को स्थानीयों ने पकड़कर जमकर पिटाई की और बाइक चोर को नगर थाना के हवाले किया। बाइक चोर की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गंज बाजार निवासी अनीस कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान चोर के पॉकेट से मास्टर चाबी भी बरामद हुई है। बरूराज थाना क्षेत्र के मनपुरा गांव के रहने वाले कृष्णा दास निजी काम से एसडीओ पूर्वी के कार्यालय में अपने पैशन प्रो मोटरसाइकिल से आए थे। बाइक लगाकर एसडीओ कार्यालय की ओर जैसे ही गए तभी बाइक चोर मास्टर चाबी से बाइक का लॉक खोलकर भागना चाहा। तभी कृष्णा दास की नजर पड़ी और शोर मचाना शुरू किया। तब तक स्थानीय लोग जुट गए। मौके से चोर को पकड़कर जमकर पिटाई की और नगर थाना के हवाले किया। बोला कि हम गाड़ी कोर्ट में लगाए थे, पूर्वी कोर्ट के सामने जी। तो हम गाड़ी से थोड़ी दूर पर मैं गप कर रहा था दूसरे निमिल करके, तब तक एक आदमी ने कहा कि गाड़ी चोरी कर रहा है पैशन प्रो। तो हमारी नजर वहाँ पहुंची, तब तक यह भागना शुरू कर। कहाँ पर थे? पूर्वी कोर्ट के थोड़ा सा बगल में थे। एसडीओ पूर्वी? हाँ, एसडीओ पूर्वी का बगल में। हाँ, गाड़ी से थोड़ी दूर पर थे हम जी। तो इसी पीरियड में लोगों ने हल्ला किया कि गाड़ी चोरी कर रहा है। तो हमारा नजर किया अपने गाड़ी पर, तो जो चोर भागना शुरू किया। पकड़े आप? हम नहीं पकड़े, लोगों ने पकड़ा। ठीक है, लोग मारा भी, सफर चपट दिया उसको। उसके बाद अपनी गाड़ी पर चले आए, तब तक दरोगा जी पहुंचे अपना, उसको पकड़ के अपना ले आए थाना। दादा ड्यूटी में थे जी, और किसी के द्वारा हमारे थाना अध्यक्ष महोदय को खबर मिली कि वहाँ एक चोर गाड़ी चोर पकड़ाया हुआ है। उनका आदेश, टेलीफोनिक आदेश मिला मुझे। मैं वहाँ पहुँचा, बहुत सारे लोग मिलकर के इसको पकड़े हुए थे। ठीक है, एसडीओ साहेब पूर्वी के कार्यालय कैंपस में जी। और बाद ही जिनका गाड़ी चोरी हो रहा था वही मौजूद थे। उसके बाद उसको ले आए, अगला जो कार्रवाई हो किया जाए। क्या क्या बरामद हुआ इसके पास? एक चाबी है उसके पास, साइकिल का। अच्छा, गाड़ी इनका वो मिल गया है? गाड़ी मिल गई, थाना पर आए हैं, ले आए हैं। समान काम के बदले समान वेतन लागू करने की मांग को लेकर परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने डीपीओ स्थापना कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थापना कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। संघ के सदस्यों ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की गई है, जिसके विरोध में आज पुतला दहन का कार्यक्रम हर जिले में आयोजित किया गया है। समान काम का समान वेतन उनका हक है और सरकार से वो अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करे और उनका हक दे। भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है और लड़कर के हम लोग हाईकोर्ट से लिए भी, लेकिन जो बिहार में न्याय के साथ विकास की बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वे लोग जो है इस निर्णय के खिलाफ, जो नैसर्गिक निर्णय है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इससे हम शिक्षक लोगों में जो है काफी भावना आहत हुई है और इसके विरोध में हम इनका पुतला दहन किया है।
कोर्ट द्वारा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तीर के निशान दिए जाने पर पूर्व मंत्री रमई राम ने कहा कि शरद यादव की पार्टी असली जदयू पार्टी है, आगे जनता बताएगी इन लोगों को। जदयू में तीर के निशान को लेकर शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। शरद यादव गुट और नीतीश कुमार गुट दोनों ही इस पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा आए फैसले के खिलाफ शरद गुट ऊपरी अदालत में जाएगी। इन बातों का खुलासा पूर्व मंत्री रमई राम ने मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित अपने आवास पर किया। उन्होंने बताया कि असली जदयू हमारी है और जनता महागठबंधन के साथ है। नीतीश कुमार ने जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है। अगर हिम्मत है तो वो फिर से चुनाव करके देख ले, उन्हें जनता का जवाब मिल जाएगा। अगले विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी जिसमें उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर रमई राम के साथ युवा नेता रमेश कुमार दीपू, नवल किशोर पांडे, अकरम सिद्दीकी और दिनेश यादव समेत कई नेता उपस्थित थे। कल जो फैसला आया है चुनाव आयोग में तीर के संबंध में जो विवाद था या जो मेरे पक्ष में होना चाहिए था, न्याय संगत होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो के जो नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला हुआ, इस पर हमको कहना है कि यह फैसला सोचे समझी है। अब पहले से उन लोगों को पता है केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है और उनके दबाव में कुछ हो सकता है। पहले ही चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया था कि आपको खारिज किया जाता है, फिर भी उनके तरफ से वकील रहा, मेरे तरफ से वकील रहा और दोनों तरफ सुनवाई हुई, फैसला फिर उन्हीं के पक्ष में था जो उनकी इच्छा, ऐसा ही निर्णय न्यायालय में हुआ है। इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में जाएंगे, ऊपरी अदालत में इस फैसला को लेकर जाएंगे। वहाँ का फैसला वो इसको मानना, और जो बिहार में हमारी 11 करोड़ जनता की लड़ाई है वह जारी रहेगा। नीतीश कुमार का जो पार्टी है जदयू, वो फर्जी पार्टी है। ओरिजिनल जदयू वर्कर हम लोग हैं और हम लोग शरद जी के साथ हैं, रमई राम जी के साथ हैं और ओरिजिनल जदयू हम लोग के पास है और जनता 11 करोड़ जनता है, जनता का साथ हम लड़ रहे हैं। जो जनता मैंडेट दिया था, महागठबंधन को मैंडेट दिया था, उस जनता के फैसले के साथ हम लोग हैं और जो होगा हम लोग साथ में हैं और साथ में रहेंगे। जिला अधिकारी ने समरणालय सभागार में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला अधिकारी ने पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। समरणालय सभा कक्ष में जिला अधिकारी ने सात निश्चय योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सभी प्रखंडों के पदाधिकारी और विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने वरीय पदाधिकारियों को सात निश्चय योजना को जमीन पर उतारने के गुर सिखाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वरीय पदाधिकारियों को योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करनी पड़ेगी। अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा नीचे के कर्मियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों को अपने अपने माध्यम से लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित का सुझाव दिया। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के छीट भगवतीपुर के ग्रामीणों ने गांव में बिजली के पोल नहीं लगाए जाने को लेकर बैठक की और बिजली विभाग के बिल की भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया। मुजफ्फरपुर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पोल नहीं लगाने के विरोध में शनिवार को अहियापुर के छीट भगवतीपुर के ग्रामीणों ने बैठक करके निर्णय लिया कि मुजफ्फरपुर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भेजा हुआ बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद गुड्डू ने कहा, 500 उपभोक्ताओं को मुजफ्फरपुर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बांस बल्ले के सहारे बिजली की आपूर्ति करा रहा है, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा एक साल से कंपनी का चक्कर लगाया जा रहा है, लेकिन पोल लगाने के एवज में दलाल द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि जब तक पोल नहीं लगेगा तब तक बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये छिट बहुत ही पूर्ण है, मुसरी प्रखंड है। हाँ। यहाँ कई वर्षों से पोल नहीं है, कारण कई घटना हो चुकी है। हाँ। शॉर्ट सर्किट होने के कारण कई घटना हो चुकी है। यहाँ की जनता को न समय बिजली मिलता है और न लाइट का व्यवस्था है और न पोल है, कई वर्षों से नहीं है। तकरीबन 200 या 300 मीटर की दूरी तक तार गया, वहाँ एक भी पोल वहाँ नहीं दिया गया, जिसके कारण कई घटना हो चुकी है। लोगों का यहाँ कहना है जब तक पोल नहीं लगेगा तब तक बिजली बिल जमा नहीं होगा। युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर टावर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए।
टावर चौक पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। युवा राजद कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूरे बिहार में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, लूट, हत्या, छिनतई जैसी आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है और सरकार खामोश बनी है। राजद ने कहा कि जिले में लूट, हत्या, छिनतई, बलात्कार, दलितों के ऊपर अत्याचार का बोलबाला है। यह सरकार पूरी तरह जन विरोधी है। का मुख्य उद्देश्य रहा है इस शहर क्या पूरे प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध के ग्राफ को देखते हुए दिन प्रतिदिन इसमें सरकार में घटनाएं हो रही है। 3 साल की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है, इस घर इस प्रदेश की माताएं बहने सुरक्षित नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कुरहनी में रामपुर बलरा में 3 साल के बच्ची के साथ अपहरण बलात्कार किया गया है। इसके साथ आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले दलित के साथ मारपीट हुआ। इस स्थिति ये है कि गांव समाज में मारपीट हो रही है, तो अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि सदर अस्पताल में आकर के भी मारपीट सामंतवादी विचारधारा के लोग किया है। इसमें भी सरकार और पुलिस प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई सकारात्मक पहल नहीं ले रही है। दिन दारू की जो बात है, नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस अंतरात्मा की बात करते हैं उस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें आखिर इस सरकार में जो दारू बंदी हुई है, ट्रक के ट्रक माल पकड़ा कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की रवैया और मंशा खराब है, जिसके कारण दारू आ रहा है दिन और लोग जहरीले शराब पी पी करके मर रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वांट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 7635091378 7635091387 7635091396। जीनियस नाम ही पहचान है। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम,
रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955-45627, 8544-077-116। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय राजपूत कार्मिक सेना ने जीरो माइल चौक पर फिल्म पद्मावती के रिलीज पर रोक लगाने को लेकर फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली का पुतला फूका। फिल्म पद्मावती के रिलीज पर बिहार में रोक लगाने के लिए लगातार कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को जीरो माइल चौक स्थित राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने के बैनर तले प्रतिवाद मार्च कर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं आक्रोशित कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि फिल्म पद्मावती के चित्रण के रूप में फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा अश्लीलता परोसा गया है, जिसे देश के युवा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सिंह की अध्यक्षता में कर्णी सेना के द्वारा संजय लीला भंसाली का पुतला दहन का कार्यक्रम जीरो माइल पे रखा गया है। ये फिल्म पद्मावती जो है, ये हमारे हिंदू इतिहास, हमारे हिंदू वीरांगनाओं के चलचित्र को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इसके विरोध में आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है। आपके माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कहना चाहेंगे कि इस फिल्म को अगर बैन नहीं किया जाए तो युवाओं के अंदर एक मतलब आक्रोश है। हो सकता है इस फिल्म को रिलीज करने के बाद वो आक्रोश सड़क पे, हॉलों में या फिर कहीं भी दिख सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इस फिल्म को बैन किया जाए। ये पद्मावती के विरोध में है, जो संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म है, और हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आगे भी हिंदू समाज इसके साथ में बैठे, चाहे इस पर डेट या तारीख बढ़ा दिया जाए, आगे भी इसकी विरोध जारी रहेगी। और चाहे जनवरी हो या क्या मांग है आप लोग की? हम लोग की मांग है कि पूर्ण रूप से सिनेमा को बंद किया जाए, सिनेमा और जो भी कोई सिनेमा हॉल इस फिल्म को लगाता है वो जाएगा। उसके लिए चाहे जो करना हो, समाज समर्थन हमारे साथ पूरे है। जिला जनता दल यूनाइटेड का आज जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल हुए। आम्रपाली ऑडिटोरियम में जिला जनता दल यूनाइटेड की कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के राज्यसभा सदस्य कहकशा प्रवीण, शैलेंद्र कुमार और प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह शामिल हुए। इस दौरान इन लोगों ने जदयू के जिले के कार्यकर्ताओं को 11 विधानसभा का टास्क दिया और कहा कि अगले विधानसभा चुनाव तक पूरे 11 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बनाना है। कोने कोने से आए हुए हमारे जिन्होंने हम लोगों को मान सम्मान देते हुए बिहार सरकार के हाथ बढ़ा दिए हैं।
बिहार राज्य एएनएम संविदा कर्मचारी संघ ने अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर समरणालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एएनएम ने सरकार विरोधी नारे लगाए। समान काम के बदले समान वेतन एवं संविदा पर बहाल एएनएम को नियमित करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर रही बिहार राज्य एएनएम संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले शनिवार को सदर अस्पताल रोड स्थित संघ भवन से सैकड़ों की संख्या में संविदा पर बहाल एएनएम कर्मी निकल रहे शहर के विभिन्न मार्गों से होकर जिलाधिकारी कार्यालय के समीप पहुंचकर सरकार विरोधी नारों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं संघ की अध्यक्ष नीलू कुमारी ने बताया, सरकार एएनएम के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। पिछले लगातार 18 दिन से एएनएम कर्मी अपनी चार सूत्री मांगों के लिए आंदोलन पर है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का एक ही मांग है, नियमितीकरण। सरकार से एक मांग, नियमित करो, बस कुछ नहीं। इसके लेकर के हम लोग 18 दिन से धरना प्रदर्शन पटना में भी बैठी हुई है। पूरे बिहार के 38 जिला में सभी लोग धरना पे बैठी हुई है, हड़ताल में है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। सरकार जब तक कुछ निर्णय सही डिसीजन नहीं लेगी, हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। की कीमत भी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, सरकार पूरा सुनते सुनते एकदम बहिर हो गया है। नगर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा मोहल्ले में पति ने पत्नी और पत्नी के बहन के परिवार वालों की जमकर पिटाई कर दी। पत्नी और पत्नी की बहन द्वारा महिला थाने में मामले को दर्ज कराया गया है। गुरौल के गमटी गांव की शिक्षिका को इस महीने की 11 तारीख को उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद से पीड़िता चंदवाड़ा स्थित अपनी बहन के घर पर रह रही थी। जिसकी जानकारी उसके पति मोहम्मद इरफान को लगी तो बीती रात अपने 8-10 सहयोगियों के साथ पीड़िता के पति ने पीड़िता, उसकी बहन और उसके परिवार वालों की जमकर पिटाई कर दी और घर वापस चलने की बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी है। थाने में सूचना देने के बाद महिला सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंची। हाँ, मेरे साथ है कि हमारे हस्बैंड हमें टॉर्चर करते हैं छोटी छोटी बात को लेकर के, और हमें मारते आ रहे हैं। 14 साल से हमको मारते आ रहे हैं, हमने बर्दाश्त किया। मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे हस्बैंड हैं, आज नकल बदल जाएंगे, मगर उनकी हरकतें बदल नहीं रही है, आगे बढ़ रही है। तो हमने उनसे बताया कि अगर आपकी हरकतें इस तरह की रही तो मैं अपने भाई से बताऊंगी। हमेशा वो मार धार करके मेरी मोबाइल फोन हर चीज छीन लेते हैं, ये किसी से कहे नहीं। तो हमने एक बार हमें मारे तो हम अपने भाई से मोबाइल लिए और फोन पकड़ा के बता दिए। तो उन्होंने उसी वक्त मतलब कि मोबाइल छीन करके और हमें बुरी तरीके से मारने लगे, जान मारने की कोशिश की। हमने वहां से भाग करके अपने बहन के पास आ गए। उसके बाद ये घटना 11 तारीख की है, 11/11/2017। और कल मतलब कि 17/11/17 को मेरे हस्बैंड, उनके बहनोई, उनके पूरे परिवार, भगना सब लोग आके मेरे घर पे जिस तरह से गाली गुप्ता अपने घर पे करते हैं, उसी तरह से मेरे बहन के यहाँ आके करने लगे। और हाँ, हमको जबरदस्ती घसीट कर बोले कि चलो मतलब केस मतलब उठाओ। एक ओर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार सुशासन का दम भरते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर जनता तो दूर, अब उनके पार्टी के नेता भी गुंडों की धमकी से डरे हुए हैं। धमकी मिलने के बाद भी पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। बीते 16 नवंबर को जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सोहेल सिद्दीकी को फोन पर जान मारने की धमकी मिली थी। वहीं दूसरी ओर धमकी के बाद से उनका पूरा परिवार दहशत में है। जदयू नेता का कहना है कि धमकी मिलने के बाद से उनका पूरा परिवार दहशत में है, पर पुलिस उनकी सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राज्य में सत्ता पक्ष के नेता अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो फिर जनता का तो खुदा ही मालिक है। पूरा परिवार हमारा खौफ में है, दहशत में है, और हम लोग जनता दल यू के नेता हैं और व्यवसाय हैं। घर से निकलना, दुकान आना काफी टफ हो गया है। आने जाने में हम लोग सुरक्षा नहीं मिलने के कारण रास्ता बदल के आ रहे हैं। जिस गली से आ रहे हैं उस गली से हम लोग नहीं जा रहे हैं, रास्ता चेंज करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि दहशत का माहौल है। अपने आप को पूरा परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या लग रहा है, जदयू की सरकार है, आपके पार्टी की सरकार है, नहीं आम लोग असुरक्षित है इस सरकार में? देखिए, जब जनता दल यूनाइटेड के एक वर्कर होने के नाते
इस तरह से अपराधी के द्वारा धमकाया गया है और जिला के पुलिस प्रशासन जो है अभी तक जो अपराधी है जिसने इस तरह का खुलेआम AK-47 से पूरे परिवार को भूनने का धमकी दिया है, प्रशासन अभी तक उसको पकड़ने में विफल है और सुरक्षा मुहैया न कराना इससे स्पष्ट होता है कि हम लोगों की हत्या होना और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण ही होगा। लिशवीविल इनर क्लब ने आज मुखबधिर बच्चों के बीच डेस्क बेंच का वितरण किया। इस दौरान इनरविल क्लब के सदस्यों ने बच्चों की हौसला अफजाई की। बागेश्वरी मुखबधिर आवासीय विद्यालय में इनरविल लिशवी क्लब द्वारा मुखबधिर बच्चों के लिए 10 वेन्य डेस्क का दान दिया, जिसको लेकर बच्चों में काफी खुशी थी। इनरविल क्लब के सदस्यों ने कहा कि हमारी संस्था लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रही है और खासकर ऐसे बच्चों का लगातार मदद करती है। मुखबधिर बच्चों में दान देने का उद्देश्य इन बच्चों में लिखने और पढ़ने की जिज्ञासा जगाना है। क्लब की तरफ से हम लोग आए हैं, मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर वंदना विजय और हम लोग मुखबधिर आवासीय विद्यालय में काफी दिनों से हम लोग इसके साथ जुड़े हैं और यहाँ के बच्चों के बीच उनके प्रतिभा विकास के लिए भी हम लोग बराबर कार्यक्रम करते रहते हैं और रनिंग प्रोजेक्ट के रूप में भी हमारा यहाँ चलता रहता है। अभी भी 2 तारीख को जो इनका कार्यक्रम होने वाला है मुखबधिर दिवस पर, उसमें भी बच्चों की क्या तैयारी हुई है वो सब भी हम लोग देखने आए थे। और दूसरी बात कि आज हम लोगों ने बेंच डेस्क वगैरह भी दिया है, तो इसलिए हमारी कुछ मेंबर्स थी साथ में और हम लोगों ने बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने की दिशा में आगे भी कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसको हम लोग समय समय पर क्रियान्वित करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जन शताब्दी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी की ओर से जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक ने कहा कि हम कांग्रेस जन इंदिरा जी के उपदेशों को जन जन तक पहुँचाएंगे। इंदिरा जी का कहा करती थी, दूरदृष्टि पक्का इरादा, गरीबी हटाओ हरित क्रांति लाओ। देना चाहता हूं कि आज की जो बैठक है वो कल हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म शताब्दी समारोह है। पूरे देश में, पूरे प्रांत में, पूरे जिले वाइज हम बृहद रूप से 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिले के अंदर, प्रखंड के अंदर इंदिरा गांधी जी की जन्म शताब्दी समारोह मनाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत और सशक्त करने का काम किया जा रहा है। इसकी तैयारी कैसे चल रही है? क्या इसकी तैयारी के लिए हमारी समीक्षा अभी चल रही है। उस समीक्षा में प्रखंड स्तर से, जिले स्तर से और प्रदेश स्तर तक पूरे इस कार्यक्रम को समन्वित करने का काम और कार्यकर्ताओं को एकजुट इंदिरा गांधी जी के नाम पर और कांग्रेस परिवार से जो बिछड़े हुए लोग थे, कांग्रेस परिवार से जो थोड़ा नाराज चल रहे थे और कांग्रेस परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान रहा है, उन परिवार के लोगों को सम्मिलित करने का, उन परिवार को लोगों को जोड़ने का, उन परिवार को लोगों को सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, सोनिया गांधी जी की ओर से और आदरणीय कौकब कादरी की ओर से करने का प्रयास किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।